हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल त्रिदेव। दिस इज उपासना सिंह और आज हम अपने जावा ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जानेंगे मेथड्स के बारे में। सो गाइस, व्हाट इज मेथड? मेथड आखिर है क्या? मेथड एक तरीके का ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि इनपुट लेता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमारे लिए एक रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है। तो चलिए आइए इसका सिंटैक्स समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि इमेज अपीयर हो गई है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड का इमेज लगाया हुआ है जहाँ पे ये हमारा एक मेथड का एग्जांपल है। एक छोटा सा मेथड यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको मेथड का लिखने का सिंटैक्स समझ में आए। मेथड जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे एक मॉडिफायर लगाते हैं, फिर एक रिटर्न टाइप को इनिशियलाइज करते हैं कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या कोई भी जो भी आपका टाइप हो। फिर उसके बाद मेथड का नाम, मेथड के नाम के बाद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे चाहे आपके कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं या चाहे तो आप कोई भी पैरामीटर्स ना रखें। जरूरी नहीं है कि मेथड में पैरामीटर्स पास होना चाहिए, बट अगर आपको पैरामीटर्स पास करने या कोई इनपुट देना है तो आप पैरामीटर्स में ही दे सकते हैं। उसके बाद ये हमारी मेथड की बॉडी आ गई। तो ये मेथड क्या काम कर रहा है? ये मेथड एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है दो डिजिट्स को ऐड करने का। वो दो डिजिट्स इसको इनपुट्स में यहाँ ऐसा पैरामीटर में मिल रही है, वो दोनों ही इंट है और ये इंट टाइप का ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिटर्न करके अपना जो सम है उसको रिटर्न कर दिया। सो आई होप आपको ये मेथड का जो सिंटैक्स है वो सही से समझ में आया हो। चलिए आइए अब आगे इसका यूज और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। व्हाई वी यूज मेथड्स? मेथड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट अलाउज कोड रिव्यूजेबिलिटी, लाइक डिफाइन वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम्स। इससे हम लोग एक ही कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। मतलब हमने एक जगह एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा और जरूरत पड़ने पर हम उसे मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं। दूसरा हमारा यूज ये है, यू कैन ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर चंक ऑफ कोड। हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जहाँ पे हमारा बहुत सारा कोड हो जाता है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ लाइन कोड हो जाता है, तो हम उस कोड को एक पर्टिकुलर चार या पांच पार्ट में डिवाइड करके उन चार और पांच पार्ट को अलग अलग मेथड में करके फिर वो मेथड सब अपने नीड के हिसाब से एक पर्टिकुलर लॉजिक क्रिएट करके वो पांच मेथड्स को हम लोग एक जगह कॉल करा सकते हैं। सो ये एक तरीके का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेथड्स का हमारे जावा प्रोग्रामिंग में। फिर इट इंक्रीजेस द कोड रीडेबिलिटी। अब चूंकि हमारा कोड पर्टिकुलर कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन सभी मेथड का नाम एक तरीके से नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से डिफाइंड है, तो हमें कोड को पढ़ने में भी आसानी होगी। अगर कोई दूसरा डेवलपर जिसने उस कोड पे कभी काम नहीं किया है उसको भी समझने में आसानी होगी कि ये मेथड किस लिए क्रिएटेड है और ये एग्जैक्टली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एक तरह की हमारी सही कोडिंग प्रैक्टिस भी है। तो चलिए आइए अब देखते हैं मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं और मेथड्स का हमारा जावा प्रोग्रामिंग में क्या रोल है प्रैक्टिकली। तो चलिए आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि मेथड्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। एंड उसके लिए पहले हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक नई क्लास आ गई है और यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं हमारा नाम प्रिंट करने के लिए। लाइक अब हमारा वो नाम प्रिंट कर रहा है तो मेथड का नाम भी हम ये रखेंगे, प्रिंट माई नेम। एंड गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मेथड का जो नाम होता है वो कभी भी कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक जावा के ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, हम मेथड का अपना जो नाम होता है वो कीवर्ड के नाम पे नहीं रख सकते। सो अभी मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ ताकि मैं अपने कंसोल से इनपुट ले सकूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक मेथड कॉल कराया। मेथड कॉल कराते वक्त इसने मुझे यहाँ पे एरर दिया था कि इस नाम का कोई भी मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने वहाँ पे वो ऑप्शन चुना कि ये हमारे लिए खुद ही एक मेथड क्रिएट कर दे। तो इसने हमारे लिए मेथड क्रिएट कर दिया जो कि एग्जैक्ट मेन मेथड के बाहर है। एंड नाउ हम यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि हमें अपना नेम कैसे प्रिंट कराना है। मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी पैरामीटर्स पास करेंगे हमें उसके अंदर उस वेरिएबल का, मतलब जो पैरामीटर ने पास किया उस पैरामीटर का डेटा टाइप भी साथ में डिफाइन करना होगा कि एक्चुअली वो पैरामीटर कौन से हमारे डेटा टाइप का है। नाउ हमने यहाँ पे void की यूज किया है। void हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। जब भी हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ना ही वो इंट रिटर्न कर रहा है, ना ही स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ पे void लगाते हैं। void का मतलब ये मेथड हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पे अपनी मेथड की बॉडी लिखेंगे, फिर प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे। यहाँ पे कंसोल में हमें इनपुट का ऑप्शन दे दिया है बिकॉज ऑफ द स्कैनर। सो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ त्रिदेव, एंटर करती हूँ।
एंड इसने यहाँ पे त्रिदेव मेरे लिए प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, हमने पहले यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने वहाँ पे एक इनपुट क्रिएट किया। इनपुट हमने लेने के बाद हमने एक मेथड कॉल किया प्रिंट माई नेम करके। प्रिंट माई नेम क्या कर रहा है, इसको जो भी इनपुट मिले उसे सिस आउट कर दे, सिस आउट करके प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे इसको इनपुट मिला त्रिदेव, तो इसने त्रिदेव हमारे लिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको मेथड को डिक्लेयर करना भी आ गया और मेथड को कॉल करना भी आ गया। ये जो हम यहाँ से मेथड कॉल कर रहे हैं और यहाँ हमने मेथड डिक्लेयर किया और ये हमारी जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको दिख रही है ये एल लाइन, ये एक लाइन मतलब लाइन नंबर 20, ये हमारी मेथड की बॉडी है। सो आई होप मेथड्स के बारे में मैंने आज आपको जो भी बताया आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स अगर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में सॉल्व नहीं हो सकते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने डाउट्स वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं पर्सनली इंटरेक्ट करके आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी। एंड गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जावा ट्यूटोरियल की इस प्लेलिस्ट में अभी तक ऑलमोस्ट 18 लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं और भी लेक्चर्स अभी शेड्यूल्ड हैं। सो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।